वेलकम बैक टू द काफोस। सो जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में, जो टाटा नेक्सॉन का 2023 यानी कि इसी साल फेसलिफ्ट आने वाला है। उस गाड़ी में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। That will help you to buy right car according to your needs. So, यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की। सो फ्रंट लुक की बात करें, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, इस गाड़ी में आपको ओवरऑल फ्रंट से न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसकी हेडलाइट की जगह अब DRL देखने को मिलेगा। और अगर आप बम्पर इसका देखेंगे वो आपको न्यू डिज़ाइन का देखने को मिलेगा विद फुल LED हेडलैम्प्स, जो देखने में काफ़ी प्यारे हैं। आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन कमेंट में मुझे बता देना। और अगर बात करें इस गाड़ी के साइड लुक की, साइड से जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होता है वो साइड से लगभग सेम ही होता है, इस केस में भी वही रहने वाला है। बस आपको न्यू स्टाइल के 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। और अगर बात करें बैक लुक की, बैक में जैसा कि आप जानते हैं टाटा नेक्सॉन की काफ़ी शिकायत थी कि उसकी बैक लुक एकदम बेकार है, स्पेशली उसकी लाइट्स। पर 2023 में ऐसा केस नहीं होने वाला। आपको 2023 टाटा नेक्सॉन में न्यू स्टाइल के टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप सामने देख ही पा रहे हैं। इसमें आपको पहले से भी ज़्यादा लंबे एंड स्लीकर टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, जो देखने में काफ़ी बड़ी हैं। एंड आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे इसके बम्पर में ओवरऑल पीछे वाले डिज़ाइन में। अगर बात करें इस गाड़ी के रूफ़ की, रूफ़ में आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, आपको वही छोटा सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा विद शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स। सो ये तो करी हमने बात टाटा नेक्सॉन 2023 की, यानी कि इस गाड़ी में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन कमेंट करके मुझे बता देना। सो अगर बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था वो आपको काफ़ी बेकार देखने को मिलता था, जिसमें आपको क्वालिटी भी एकदम बेकार देखने को मिलती थी एंड ओवरऑल उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा था। पर 2023 में आपको इस गाड़ी में न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसका साइज़ 10 इंचेस होने वाला है। उसमें आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फीचर्स। दूसरा, आपको इस गाड़ी में वही पुराना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगी विद ऑडियो कंट्रोल्स यानी कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। अगर बात करें इसके AC की, आपको पुराना AC ही कंटिन्यू कर दिया जाएगा विद रियर AC वेंट्स। बाकी फीचर्स की बात करें, आपको इस गाड़ी में फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे 2023 फेसलिफ्ट में। बाकी आपको इसके रूफ में छोटा सा सनरूफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में पुरानी जैसी ही रहने वाली है विद ओल्ड सीट्स, यानी कि सीट्स में भी आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगी, आपको वही सीट्स कंटिन्यू कर दी जाएगी, यानी कि ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट। सो ये करी हमने इस गाड़ी के इंटीरियर की बात। बाकी हाँ, इस गाड़ी में आपको एयर प्यूरीफायर सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। सो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी में जैसा कि आप जानते हैं टाटा काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी होती है गाड़ियों की वो काफ़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन, जैसे कि किया, मारुति या हुंडई। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ये गाड़ी भी बढ़िया रहने वाली है। एंड अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ, इस गाड़ी में आपको 2023 में 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, पहले वाली टाटा नेक्सॉन में आपको सिर्फ 2 देखने को मिलते थे। एंड बाकी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ABS, ABD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स। सो 2023 टाटा नेक्सॉन काफ़ी सेफ होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं इस गाड़ी के कॉम्पिटिशन में आने वाली गाड़ियाँ जैसे कि ब्रेजा या वेन्यू, उन दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, पर टाटा नेक्सॉन में आपको सिर्फ 2। पर 2023 में आपको इस गाड़ी में भी 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टाटा की तरफ से। एंड अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में। 2023 टाटा नेक्सॉन में आपको इंजन में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, आपको वही इंजन ऑप्शंस कंटिन्यू कर दिए जाएंगे, यानी कि एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 118 BHP एट द रेट 170 NM ऑफ टॉर्क। एंड दूसरा, आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 108 BHP एट द रेट 260 NM ऑफ टॉर्क, जिसकी पावर अच्छी है पर आपको पेट्रोल इंजन में ज़्यादा BHP देखने को मिल जाती है।
एंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन ईवी की, उसमें आपको वही बैटरी पैक्स कंटिन्यू कर दिए जाएंगे जो आपको आज की रेट में देखने को मिलते हैं टाटा नेक्सॉन में। सो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि 2023 टाटा नेक्सॉन का प्राइस क्या रहने वाला है एंड ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगी। सो इसका प्राइस, जैसा कि आप जानते ही होंगे, जब भी कोई गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होता है उसका प्राइस पहले वाले मॉडल से ज़्यादा ही होता है। टाटा नेक्सॉन के केस में भी वही रहने वाला है। आपको थोड़ा बहुत और पे करना ही पड़ेगा, हो सकता है कि आपको लाख तक और एक्स्ट्रा देना पड़े, क्योंकि 2023 में आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, बाहर से भी न्यू लुक देखने को मिल रही है, इंटीरियर में ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताए। सो इसका प्राइस थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। एंड अगर बात करें इस गाड़ी के लॉन्च डेट की, लॉन्च डेट अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, पर इतना कंफर्म है ये 2023 के मिड में लॉन्च हो जाएगी, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जून जुलाई या सितंबर के बीच तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट टाटा नेक्सॉन 2023 फेसलिफ्ट। एंड अगर आप टाटा कंपनी की सेल्स देखेंगे, वहाँ पे टाटा नेक्सॉन ही राज कर रही है, यानी कि टाटा की गाड़ी है जो नंबर वन सेलिंग एसयूवी वो है टाटा नेक्सॉन। उसके बाद बाकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, पर नंबर वन में टाटा नेक्सॉन ही चल रही है, जिससे पता लगता है टाटा काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इन इंडिया एंड उसकी ये एसयूवी काफ़ी पसंद आ रही है इंडियन पीपल को। इसके साथ मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी लोगों से यानी कि यूट्यूबर से सुना ही होगा कि टाटा ब्लैकबर्ड भी एक मिड साइज एसयूवी इंडिया में लॉन्च होने वाली है जो डायरेक्ट टक्कर देगी हुंडई क्रेटा को। वो क्रेटा लेवल की गाड़ी होने वाली थी, पर 2023 में अब वो लॉन्च नहीं होगी। वो बेसिकली टाटा एंड एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसका नाम था चेरी, वो दोनों मिलकर एक गाड़ी बना रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं 2022 में गलवान इश्यूज हुए हमारे इंडिया एंड चाइना के बीच में, यानी कि अब हमारे इंडिया और चाइना के बीच में वो फ्रेंडशिप नहीं रही जो पहले थी। उसकी वजह से अब टाटा ने ये डिसाइड की है कि वो चाइनीज़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। सो 2023 में टाटा ब्लैकबर्ड नहीं आ रही। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट टाटा नेक्सॉन 2023 फेसलिफ्ट। कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट में मुझे बता देना। इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ टाटा नेक्सॉन 2023, हुंडई वेन्यू या मारुति ब्रेजा, इन तीनों गाड़ियों में से आपको एक गाड़ी चूज़ करनी हो, आप कौन सी करेंगे। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो एंड करने से पहले आपसे फिर से इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय अ राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।